नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मंगलवार के दिन सप्ताह सार्वजनिक हनुमान जी का चालीसा होता है। उसी दरमियान देखिए, कहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग कोरा कागज होता है, उस कोरा कागज में आप संस्कार रूपी ज्ञान और अनुशासन शिष्टाचार्य अगर आप लिख देते हैं तो वह ताउम्र जीवन भर रहता है। ऐसा ही अनोखा दृश्य देखने को मिला हनुमान जी के मंदिर में। मात्र 13 वर्ष का एक बालक जिसका नाम दिव्यांश है, वो स्वयं अपना इच्छा जाहिर करता है अपने अभिभावक से, अपने बड़ों से, आज मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन को अनोखे ढंग से मनाना चाहूँगा। जब उसे पता चला कि वह एक भारतीय है, उसकी संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, वह यह फैसला लिया कि मैं कैंडल जला करके, उस कैंडल को बुझा करके अपने जीवन में अंधकार को स्वागत करना बंद करता हूँ और मैं अनोखे ढंग से, जिस तरह से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने जन्म उत्सव को मनाया करते थे, प्रभु श्री कृष्ण जी मनाया करते, कटमोचन हनुमान जी मनाया करते, देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ मनाया करते, वैसे ही उसी पथ पे चल के अपना जन्मदिन का उत्सव बहुत ही अनोखा ढंग से तेरह दिए को जला करके मनाया हनुमान जी के मंदिर में, और तत्पश्चात हनुमान जी का चालीसा पाठ किया। संकट मोचन हनुमान जी ऐसे बालक को सर्वशक्तिमान बनाए और सर्वगुण संपन्न बनाए। मैं अपने चैनल के ओर से, पूरे टीम के ओर से उसे यही आशीष देता हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दिवांश। आइए इस न्यूज में हम देखते हैं उस बालक का यह अनोखा पहल। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी, जय देवादिदेव महादेव, जय जगत जननी आदि शक्ति माता, जय सनातन। चलो दीपक मंत्र चलिए। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे सदस्य है, छोटे सदस्य दिव्यांश गुप्ता का जन्मदिन है, और जैसा कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति चारों ओर फैली हुई है और बच्चों में विशेषकर पिज्जा, बर्गर और केक, मोमो इनका प्रचलन है। केक काटो, मोमबत्ती जलाओ और फिर मोमबत्ती को बुझा दो, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति को जीवित रखने में, उनका मान सम्मान करने में हमारे छोटे से सदस्य दिव्यांश ने एक छोटी सी पहल शुरू की है। आज ये कहीं और जाने वाला था, लेकिन जब इसके ख्याल में आया कि नहीं, आज हनुमान चालीसा का दिन है, मंगलवार है, तो कहा अंकल जी आज हम लोग और कहीं केक वगैरह में नहीं जाएंगे और बजरंग बली से आराधना करेंगे, 13 दीपक जलाएंगे और हमारे जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्रसाद का वितरण हमारे सभी सदस्यों में करेंगे। इसी को लेके आज हम ये जन्मदिन मनाएंगे। जो दिव्यांश सब आगे अपने सारे दोस्तों को आगे से यही संस्कृति सिखानी है हम लोग को अपने जीवन में मोमबत्ती की तरह जीवन को बुझाना नहीं है, जीवन में दीपक नए जलाने हैं हर साल, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग नए दीपक जलाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए प्रसाद का। आज हमारे यहाँ हनुमान जी का पाठ है, जन्मदिन था जिसमें हमने 13 दिया जलाए, हमारे बजरंग बल से ऐसे आगे बढ़ाने का, क्योंकि हमें ये तरीका बहुत अच्छा लगा और ऐसे केक भी काट के नहीं करेंगे आगे मंडल में, हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आगे हनुमान चालीसा का पाठ करके 14 दीपक चलाते हैं जितने भी साथी होंगे और हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ेंगे। वाह, चलिए, हम बड़े करें या ना करें, बच्चों में अपने सनातन संस्कृति के प्रति इतनी ज्यादा दिली इच्छा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बच्चे यूं ही अपने सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति के सम्मान में काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।